Welcome to Gen Tutorial, series Gen Tutorial online classes for mathematics, physics, chemistry for 11th and 12th. So we are in mathematics determinant topic video number 7. It is class 12, video number 7 of determinant. So far we have discussed question number 12, 11, 10 of RSM question. The question is written ax, x plus y, x plus 2y, x plus 2y, x, x plus y, x plus y, x plus 2y and x. And answer is 9y square x plus y. कैसे आ रहा है? So how to find x plus y? ये factor कैसे आएगा? पक्का plus करने से ही आएगा? Column में भी कर सकते हैं, row में भी कर सकते हैं. Suppose हम क्या करते हैं? R1 में R1 plus R2 plus क्या करते हैं? R3. कोई कोई तो पहले से बना के रखे होंगे. Video number 6 तक में पूरा clear हो गया होगा. अब हम लोग इनको use के solve कर रहे हैं. कॉमन कैसे करते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, रेसिस में ये वाला ऑपरेशन क्यों डिसाइड किया, पता चल गया भाई ये लाने के लिए प्लस ही करना पड़ेगा. बोली क्या करें, प्लस कर दें, 3x plus 3y हो गया, 3x plus 3y हो जाएगा, r1 r2 r3 ऐड करेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा. क्या बच गया यहाँ पे, ax plus 2y कुछ भी नहीं किया है, x x plus y then x plus y x plus 2y and x. Understood how to solve? अब हम लोग का आधा आंसर आ गया. कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, 3 ऑफ x प्लस y इज कॉमन फ्रॉम r1. क्या बच गया मेरे पास, 1 1 1. क्या बच गया, x प्लस 2y x. तुम्हारा कैसे कर रहे हैं, इन r1 में 3x प्लस y कॉमन कर लिए हैं, आधा आंसर आ गया. क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 9y का स्क्वायर में 9 में भी 3 आ चुका है, हम लोग का 3 बचा हुआ है और y square बचा हुआ है. Understood? How to solve? Now, अब हम लोग क्या करेंगे, y का square लाने की थोड़ा छोटा करते हैं, माइनस करने से छोटा हो जाएगा थोड़ा सा. कैसे माइनस करें, 80 तक माइनस करिए, कॉलम 1 में कॉलम 2 प्रैक्टिस करिए, एकदम आपको भी पता चल जाएगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं पता चलेगा. चलिए माइनस कर दें, कॉलम 1 में कॉलम 2 जीरो पे हो जाएगा, जितना ज्यादा जीरो ही डिटरमिनेंट उतना अच्छा रहता है, दो को जीरो रहेगा तो और इजीली सॉल्व होता है. वन में वन गया जीरो, देखिए जीरो, एक्स एक्स कैंसल, टू वाई बचने वाला है, एक्स एक्स कैंसल, वाई में टू वाई लिख दे, माइनस वाई. अंडरस्टूड, माइनस कर रहे हैं, एक्स एक्स कैंसल, वाई में टू वाई माइनस वाई, एक्स एक्स कैंसल, टू वाई, वन वन गया जीरो, वन में वन गया जीरो, एक्स एक्स कटा माइनस वाई, एक्स एक्स कटा टू वाई, वन x प्लस वाई और क्या मत x. तो हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन कर सकते हैं, कहां से, कहां से कॉमन होगा y, बोलिए y कॉमन होगा कॉलम 1 से, y कॉमन होगा कॉलम 2 से, क्या बच गया, 0 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 2, 1 x प्लस वाई और x. तो हम लोग का आंसर आ गया. अब क्या बचा हुआ आंसर में, केवल क्या लाना है, हम लोग को 3 लाना है, 9 लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, 3 लाना है, 3 लाने के लिए बस इसको सॉल्व कर दीजिए. एक्सप्लेन, 0 का आंसर 0, 0 का आंसर 0, 1 का आंसर क्या बचा, 2 2 जो 4, 1 1 जो 1 में से 3, 3 बच गया. ओके, 9 इनटू x प्लस y इनटू y स्क्वायर. सो इन दिस वे यू लर्न हाउ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट, इट इज वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. क्लियर है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. नाउ दिस क्वेश्चन, 3x y minus x z minus x एंड सो ऑन, आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आपको आंसर लगा है, थोड़ा लंबा बनेगा, ध्यान से देखिए, 3x plus y plus z, ये टर्म हम तुरंत दिखाई दे रहा है, एलएचएस में क्या ऑपरेशन करेंगे तो दिखाई देगा, प्लस करने से आएगा, ऐसे प्लस नहीं करना, ऐसे प्लस करेंगे तो आएगा, 3x में minus x minus x x हो जाएगा. तो क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 प्लस करिए, आता प्लस करने, 3x प्लस y वाली की देखा, लिख दे 3x प्लस y माइनस x प्लस, लिखिए दे क्या होगा, इसमें क्या होगा, x माइनस y प्लस 3y प्लस z माइनस y, x माइनस z y माइनस z 3z, क्या बच गया, y माइनस x, क्या हो गया 3y, क्या हो गया y माइनस z, z माइनस x, z माइनस y, कुछ नहीं किए हैं, कॉलम 1 में ऐड कर दिए, थोड़ा सिंपलीफाई करके देख लीजिए क्या बचा, 3x माइनस x माइनस सब में क्या बचेगा, x प्लस y प्लस
जेड बचेगा, आधा आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। कैसे सोचते हैं हमको पता है, हमको एग्जाम का क्वेश्चन भी पता है, पता है एग्जाम क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, बस हम प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, आराम से बनेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोलम वन से कोमन एकदम इजी हो गया। अब हम लोग इसके आगे क्या ऑपरेशन करेंगे सोचिए आप, हम लोग बाकी चीज लाना है, छोटा करने के लिए माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है जोर, क्लियर है, कुछ नहीं किए हैं, क्यों किए पता चल गया, अब थ्री भी डालना है और ये, तो हम लोग छोटा करने के लिए क्या माइनस करते हैं, दो दो को जीरो आ जाएगा, क्या करें, आर वन में आर वन माइनस आर टू, आर टू में आर टू माइनस आर थ्री, बोलिए क्या हुआ, वन में वन गया जीरो, थ्री वाई में वाई माइनस कीजिए माइनस टू वाई माइनस एक्स, वाई में थ्री वाई गया माइनस टू वाई माइनस एक्स पहले से, जेड जेड कट जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, क्लियर है, कुछ नहीं माइनस किया, जेड जेड कट जाएगा माइनस करने से माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बोलिए वन में वन गया जीरो, थ्री वाई में वाई गया तो वाई टू वाई बचेगा और माइनस माइनस कर जाओ प्लस जेड, तो माइनस कर जाता ना यहाँ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, फिर बोलिए जेड में थ्री जेड माइनस टू जेड माइनस वाई, क्लियर है, अब क्या बचिए वाई माइनस जेड और क्या है यहाँ पे थ्री जेड, अब पहले से क्या क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ नहीं किया माइनस किया अभी छोटा हो गया, अब इसको हम सोल्व कर दे डायरेक्ट, हम क्या कर रहे हैं कोलम वन से इसको एक्सपेंड कर दे रहे, डाल दिमाग मत लगाइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो क्या आंसर आएगा, जीरो का आंसर जीरो, इस जीरो का आंसर भी जीरो, आप बोलिए माइनस एक्स सॉरी किसी वन से कर रहे हैं वन का मल्टीपल बताइए, जीरो का आंसर जीरो, जीरो का आंसर जीरो, वन का आंसर क्या बचेगा थ्री किसी मतलब इसको इसको करा ना माइनस टू वाई माइनस एक्स इंटू माइनस टू जेड माइनस वाई, बीच में क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स प्लस वाई इंटू क्या होगा जेड टू वाई प्लस जेड, क्लियर है, वही कितना आंसर आने वाला है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ट्वेल्थ क्लास से पढ़ते हैं थ्री एक्स वाई आएगा, थ्री वाई जेड भी आएगा, थ्री जेड एक्स भी आएगा, बाकी कट जाएगा, क्लियर है, मल्टीप्लाई कराता ना कर लीजिएगा, सिंपल से एट क्लास का स्टूडेंट कर सकता है सब चीज, आजकल तो क्या आंसर हो गया थ्री आगे थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, तीसरा क्वेश्चन नंबर 14 अंडरस्टूड नोट इट डाउन पहुंच करके यहां पर सॉल्व कर लीजिएगा, आता ना सॉल्व करने कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट लुक है क्वेश्चन नंबर 15 इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिख रहा है बहुत इजी है, एक्स वाई जेड एक्स कॉमन कर लिया आराम से, वाई कॉमन कर लिए, जेड कॉमन कर लिए, कोई क्वेश्चन पहले से बना लिया होगा, एक्स कॉमन कर लिए तो वन एक्स एक्स पर बचेगा, वाई कॉमन कर लिए तो वन वाई वाई स्क्वायर बचेगा और जेड को वन जेड जेड स्क्वायर बचेगा, अंडरस्टूड, अब क्या करें माइनस करिए, क्यों माइनस कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई लाना है, एक्स वाई ऐसे माइनस होगा, वाई माइनस जेड माइनस होगा, क्या बनेगा जीरो वन एक्स प्लस वाई जीरो वन वाई प्लस जेड वन जेड जेड स्क्वायर, मालूम है फैक्टराइज कर दिए, एक्स प्लस वाई बचेगा, इसके अंदर क्या है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, कॉमन कर लीजिए एक्स प्लस वाई जीरो वन वाई प्लस जेड वन जेड जेड स्क्वायर, सॉल्व कर दिए, अब ये वाला जीरो का आंसर जीरो, जीरो वन का आंसर क्या बचेगा वन इंटू वाई प्लस जेड वन इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस कर दिए आंसर आ गया, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए और बता रहे आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 16 किसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आया हुआ है, b प्लस सी ए माइनस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी माइनस ए और सी और आंसर आ रहा 3abc माइनस aq माइनस bq माइनस cq, तो ये एक्चुअली में किसका फैक्टर, आप 10th का तो पढ़े भी होंगे, अब पता होना चाहिए ये किसका फैक्टर है, ये a प्लस b प्लस c ab प्लस bc प्लस हमेशा फैक्टर रहेगा तो इब्रानी में इजी होता है, ये इसका फैक्टर है 3abc माइनस aq माइनus bq माइनus cq a प्लस b प्लस c ab प्लस bc प्लस ac माइनस a स्क्वायर माइनस, ये अगर लाएंगे तो ये आंसर होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर आप पढ़े हो 10th का भी था,
अगर हम ये आंसर लाना है तो हम ये ला देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तो दिख रहा है, ये देखिए कॉलम वन में कॉलम थ्री एड कर दीजिए, साफ साफ दिख रहा है। ए जोड़िएगा तो कॉलम वन में कॉलम थ्री, कॉलम वन में कॉलम थ्री जोड़ेंगे तो आधा आंसर आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी सी, ये वाला आंसर आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा कॉलम वन से तो क्या दिखाई देगा वन वन वन, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी सी। हमको बचा हुआ आंसर ये लाएंगे तब पूरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे थोड़ा छोटा करने के लिए माइनस कर दें, कॉलम टू में कॉलम थ्री माइनस कर दें तो क्या क्वेश्चन और थोड़ा छोटा हो जाएगा। वन 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 ए माइनस करिए तो क्या माइनस बी, बी माइनस करिए तो क्या बी भी कट जाएगा, सी बचेगा, सी सी कट जाएगा, माइनस ए। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है, आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और स्टेप कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए किसको आर वन में, क्यों जब तक दो गो जीरो नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, एग्जाम में नंबर चाहिए तो कम से कम दो गो जीरो जरूर हो, कम से कम जहां पे पॉसिबल है। यहां पे दो गो जीरो लाएंगे तो हम सॉल्व करेंगे, वन में वन गया जीरो, माइनस बी में प्लस सी हो जाएगा तो सी माइनस क्या होगा बी, ए माइनस क्या हो जाएगा बी, वन में वन गया जीरो, पहले से क्या था बाहर में ए प्लस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए तो करेंगे क्या होगा ए माइनस सी, और क्या होगा यहां पे बी प्लस सी, बी माइनस सी, माइनस कर दिए कुछ नहीं किए, वन माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दे रहे बोलिए, इनको सॉल्व कर रहे हैं कॉलम वन से कर रहे हैं, जीरो का आंसर जीरो, जीरो का आंसर जीरो, वन का आंसर बताइए क्या करेंगे, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने आता है टेन प्लस पढ़े होंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही आएगा और जो किसका वैल्यू है थ्री ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। अंडरस्टूड किस बनाया है, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए पॉज करके और आगे बताते हैं। चलिए बी प्लस सी ए, ए बी सी प्लस ए, कुछ नहीं कर सकते ज्यादा कुछ, इसको फैलिए सिंपल सा फोर ए बी सी लाना है तो छोटा कर दीजिए, छोटा करने के लिए कुछ माइनस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या माइनस करना है आर वन में क्या कर दीजिए, आर वन माइनस आर टू, आर वन में आर टू माइनस कर दीजिए बस, तो क्या होगा ये बी बी कट जाएगा, सी बचेगा, ए ए कटेगा, माइनस सी बचेगा, ए माइनस बी, क्लियर है। अब कुछ नहीं किया, बी सी प्लस ए बी सी, छोटा कर दिए कुछ नहीं किए हैं, अब कॉमन करने लग गई चीज नहीं है सीधे, क्लियर है इतना। अब क्या कर दे, ए को जीरो तो होना चाहिए, क्या करे बोलिए, ए को जीरो करने के लिए आर वन में आर वन माइनस आर थ्री करिए, बहुत इजी सा चीज दिखाई देगा, सी सी कटेगा माइनस टू सी हो जाएगा, ए ए कटेगा माइनस टू बी हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी, क्लियर है। अब क्या करें सॉल्व कर दें इसी में डायरेक्ट, चाहे टू कॉमन कर लीजिए, चाहे टू कॉमन भी कर सकते हैं, फोर लाना है तो कोई जरूरत नहीं, सीधे सॉल्व कर दीजिए आर वन से सॉल्व करें, जीरो का मल्टीपल छोड़िए कोई काम का नहीं है, माइनस टू सी का मल्टीपल और माइनस टू बी का मल्टीपल, बोलिए जीरो छोड़ दीजिए, टू सी का कौन है बी बी सी ए प्लस बी कर लेंगे सर, फिर देखिए टू बी का मल्टीपल कौन है बी सी प्लस ए सी और सी, तो बोलिए क्या ये टू सी हो गया, ये माइनस प्लस हो गया टू सी हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, क्लियर है, माइनस टू बी का मल्टीपल माइनस ए सी, अंडरस्टूड। अब बोलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दी, कुछ कटेगा तो काट नहीं कटेगा,
सीधे आएगा आंसर, 4abc आएगा, मल्टीप्लाई करके 18 तो आएगा, बोलिए क्या होगा, 2abc हो गया, ये वाला 2abc, 2cb स्क्वायर हो गया, 2cb स्क्वायर, 8 क्लासेस क्या है, 8 क्लास है, माइनस 2c स्क्वायर b, 2c से मल्टीप्लाई कर दिए, बोलिए माइनस 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 2b स्क्वायर से कटने वाला है, माइनस प्लस हो गया, 2bc स्क्वायर कटने वाला है, 2abc बचेगा यहाँ पे, अंडरस्टूड, तो क्या बच गया, ये दोनों कट जाएगा, 4abc बच जाएगा, और फर्क इस वाला कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल, बस यहाँ पे थोड़ा छोटा करने के लिए R1 में R2 माइनस किए, R1 में R2 के बाद R1 में R3 माइनस किए और सिंपली सॉल्व कर दिए, क्लियर है, कट जाएगा 2bc स्क्वायर, बस बस कर दिया। So now next number 19, कोई भी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन और ये आंसर, कैसे बनाएंगे आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, फिर आपसे मैच कर सकते हैं, सो लुक हियर, आप बनाते रहिए, हम भी बना रहे हैं ना, चलिए बन गया, बन गया, चलिए मैच कीजिए, किस बनाना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, प्लस करने से ये आएगा, क्या करे, बहुत ईजी है, बोलिए क्या करे, ए प्लस बी प्लस सी है या माइनस सी है या माइनस बी है, अगर प्लस करते हैं कोई फायदा नहीं होगा, इसमें प्लस करिए, R1 में क्या करिए, R1 प्लस R2 करिए, R2 में R2 प्लस R3, माइनस नहीं कर रहा, देखिए क्या प्लस करिए, सी सी कट जाएगा, A प्लस बी बचेगा, सी सी कटेगा, A प्लस बी बचेगा, माइनस बी माइनस A मतलब माइनस कॉमन करेंगे तो A प्लस बी बचेगा, अब देखिए माइनस सी माइनस बी बच गया, ए ए कट जाएगा, बी प्लस सी बचेगा, ए ए कट जाएगा, बी प्लस सी बचेगा, अब आंसर दिख रहा है आप लोगों को, आधा आंसर दिख रहा है, बोलिए आधा आंसर दिख रहा है, क्या करें, ए प्लस बी कॉमन कर लें, बी प्लस सी कॉमन कर लें, कॉलम सॉरी कहां से, R1 से कहां से, R2 से, 1 बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस ए माइनस बी है, माइनस वन बचेगा, वन बचेगा, वन बचेगा, माइनस बी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस, अब तो बहुत सिंपल हो गया, आधा आंसर आ गया, टू ऑफ सी प्लस ए इसके अंदर बचा हुआ है, जीरो लाने के लिए क्या करें, ऐड कर दें, वन वन कट जाएगा, ऐड कर दें, R1 में R1 प्लस R2 कर दीजिए, माइनस वन प्लस वन जीरो, बुद्धि तो काम कर रहा है, वन और वन क्या हो गया, टू वन वन क्या हो गया, जीरो, माइनस वन वन वन, माइनस बी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, अंडरस्टूड, प्लस कर दिए, अपना मर्जी जो मर्जी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आने वाला, पहले से क्या है आंसर, ए प्लस बी आ चुका है, बी प्लस सी आ चुका है, ये और ये अभी आने वाला है, कैसे आएगा, जीरो का आंसर जीरो, जीरो का आंसर जीरो, क्या बच गया मेरे पास, माइनस टू बच गया, माइनस टू बच गया, टू का मल्टीपल बोलिए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या प्लस बी कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस टू ए, टू ए हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, टू कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी पहले से है, बी प्लस सी पहले से है, टू कॉमन कर लीजिए तो ए प्लस सी भी, बहुत ईजी था, उम्मीद है आप इस पढ़ाओगे, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 नंबर नोट कर लीजिए, सो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिससे लास्ट में 18 नंबर बनाए थे, बिल्कुल उसी टाइप का, सोचने का तरीका देखिए ध्यान से, इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है, जब सेम क्वेश्चन ये अलग टाइप का, इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे, इसमें सीधे हम R3 में एक ऑपरेशन करेंगे, R3 में माइनस करेंगे, R1 को x से और R2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में ये वाला आंसर आपको तुरंत आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, चलिए वाला, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको y से, इसे कुछ नहीं किया, a b a x प्लस b y, b c b x प्लस c y, इसमें माइनस क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई है, माइनस करना है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये ए एक्स माइनस कर दिए और इसको वाई से मल्टीप्लाई करके तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई, अंडरस्टूड,
बड़ा लिख रहे हैं, क्या किए, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। अब यहां पहले से क्या था, बी आरसी में ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, बी एक्स प्लस क्या है सी वाई, बी एक्स प्लस क्या है सी वाई, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दिए। अब इसमें बोलिए जीरो में क्या माइनस होगा, बोलिए इसको x से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, क्लियर है, फिर माइनस करिए, माइनस क्या बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है पहले से डिसाइडेड है, क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई भी देगा ऐसे करना है, इसको पूरा को x से मल्टीप्लाई करके, इसको y से मल्टीप्लाई करके, देखिए लिख रहे हैं, लिखा जरूरत नहीं है, ए एक्स प्लस ये क्या होगा बी एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा बी एक्स वाई, एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई। वैसे ही अब इसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं, y से, ये बी वाई हो जाएगा, ये सी वाई हो जाएगा, बी एक्स वाई हो जाएगा सी वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस कर दिए किससे, किससे माइनस कर दिए आर थ्री से कर दिए, तो अब कट जाएगा ए एक्स ए एक्स बी वाई बी वाई बी एक्स बी एक्स सी वाई वाई। क्या दिखाई दे रहा है, a दिख रहा है b दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई, कुछ नहीं किया इसको भी, इसको भी कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जस्ट कत्तस लिखा हुआ, ये जीरो हो गया, ये जीरो कितना अच्छा देखो, माइनस कॉमन कर दिया, ए एक्स स्क्वायर बचा है, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई क्या हो जाएगा टू बी एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा सी वाई स्क्वायर, अंडरस्टूड। इसको x से, इसको y से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, पूरा कट गया, जीरो जीरो बच गया। दोबारा प्रैक्टिस जरूर कर लिया, दोबारा छह बार कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, आंसर आ गया, कॉमन कर लें, ए एक्स प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर कॉमन कर लें, देखिए कैसे किए, निकल पड़ा, कॉमन कर ले रहे हैं, कहां से कॉमन कर रहे हैं आर थ्री से, ये क्या है ए बी एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, ये क्या है जीरो जीरो, क्या माइनस, आधा आंसर आ गया, क्लियर है, ये आ गया आंसर। अब ये वाला कहा, इसका अच्छी पावर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, बोलिए ए का आंसर माइनस सी खत्म, बी का आंसर, बी का आंसर माइनस बी, ए एक्स प्लस बी वाई का आंसर जीरो होगा, देखिए तो जीरो होगा, नहीं होगा नहीं, तो यहां तक आ रहा होगा, ए का मल्टीपल बी का मल्टीपल और ए एक्स प्लस बी वाई का मल्टीपल, कुछ नहीं किया, सिंपल डिटरमिनेंट जो पहला वीडियो का वही चीज किया, यहाँ पे आंसर को दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस जीरो, आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव जस्ट ड्रॉ जाके दोबारा जरूर से बना लेना चाहिए, तो एग्जाम में आराम से बनेगा। सो इन दिस वे वी हैव डन सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 से 20 तक कर दिए, एग्जाम का क्वेश्चन पार हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो एक्चुअली में 2019 में आया था, 20 का क्वेश्चन भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, अंडरस्टूड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरा प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है सबको रिव्यू करते रहिएगा।